बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फॉलोअर्स, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज हम आपके साथ एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और वो है हमारा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने ये तय किया कि हम अपने व्यूअर्स को, पेशेंट्स को, फॉलोअर्स को, फ्रेंड्स को और पेशेंट के साथ ये बात डिस्कस करें कि एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल, गैर ज़रूरी इस्तेमाल और डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर सेल्फ मेडिकेशन करना कितना ख़तरनाक है। कोई भी एंटीबायोटिक जब आप किसी भी बगैर कंसल्टेशन के या किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के मशवरे के बगैर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो है वो नुकसान आपके किडनी पर भी हो सकता है, आपके लिवर पर भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा किसी भी मेडिकेशन को लेते वक्त, किसी भी एंटीबायोटिक का कोर्स करते वक्त अपने मुतल्लिका डॉक्टर से प्रॉपर रिव्यू करें और उनसे कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 14 डेज या 21 डेज के लिए अगर किसी भी मेडिसिन एंटीबायोटिक को वो आपके साथ रिकमेंड करता है, तो उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही आपको इस्तेमाल करनी है, ना कम करनी है ना ज़्यादा करनी है। और एंटीबायोटिक का सेल्फ मेडिकेशन करना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जैसे अक्सर हम देखते हैं कि एक दोस्त ने कोई एंटीबायोटिक खाई, उसका गला ठीक हो गया, उसने दूसरे को बता दिया कि आप भी ये खा लें, मैंने ये खाई थी, ठीक हो गया। तो ये सारे नुकसान आपके किडनी और लिवर पे होते हैं। तो हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर्स और पेशेंट के साथ ये बात रखना, उनके सामने ये बात रखना चाह रहे हैं कि बेसिकली कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, किसी भी और मेडिकेशन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से मशवरे किए बगैर किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी है और वो आपकी सेहत पे नुकसान और असरात डाल सकता है। इसमें अपने किडनी और लिवर्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो लिहाजा हर मेडिकेशन करने के लिए अपने कंसल्टेंट, अपने फैमिली फिजिशियन और अपने करीबी डॉक्टर से, मुस्तैद डॉक्टर से रजू करें और उसके बाद ही अपने किसी मेडिसिन को यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम।